अस्सलाम वालेकुम। आपको एक नई तजवीज़, ये गरीब खाना है, गरीब किचन है, और ये देखो ये गरीब चाचा फौजी की किचन है। आपको एक चीज़ दिखा रहे हूँ, आप देखेंगे, आप भी खाएं और दूसरों को भी सिखाएं, ठीक है जी। आज मैं ये काम कर रहा हूँ, कल मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, बनाने में भी आसान और खाने में भी मज़ेदार, ठीक है जी। ये है जी पालक, ये पालक है, इसको धो लेना है, इसको फ्रेश करो, फ्रेश के बाद इसको खुश कर लो, और ये खुश्क हो जाएगी। और ये है बेसन, इसको क्या करना है, ये बना रहे हैं जी पालक पकौड़ा, ये हम लोग बना रहे हैं। ये जनाब बेसन है ये, और इसकी 4 चम्मच मैंने डाल दिए, और उसके बाद ये मिर्ची डाल दिए, पकौड़ा, ये थोड़ी सी मिर्ची डालनी है, आप देख लो, ये मिर्ची डाल दिए, और इतनी भी हल्दी डालनी है, ये हल्दी डाल गई, और ये है सफ़ेद जीरा, ये सफ़ेद जीरा आ गया। ये है नमक मुताबिक, ये नमक आ गया, थोड़ा सा जीरा और डाल लेते हैं। ये आ गया जनाब धनिया, इसको ऐसे करना है, अगर ऐसे नहीं कर सकते इसको थोड़ा सा ये देखो ये बारीक हो गया, इसको भी डाल देना, इसको हल कर लो, इसको पानी डालो, पानी डाल गया, इसकी रोड़ी खत्म हो रही है, और इंशाल्लाह ताला देखो इसको क्या करना है, और खाने में भी मज़ा आएगा। थोड़ा सा पानी और डालें, ये इफ्तियारी के लिए तैयार कर रहे हैं, और आप भी इफ्तियारी में खाएं और हमें याद करें, और इंशाल्लाह ताला आपको पूरी तरकीब बता रहे हूँ कि आज हम भी इफ्तियारी करेंगे इसके साथ। अगर आपको नज़र लग रहा है कि ये थोड़ा सा पतला है, तो इसको थोड़ा सा घोल डाल लेना, और ये गाढ़ा हो जाएगा, जब ये तैयार करेंगे तो छड़ेगा नहीं, पत्ते को चिपट जाएगा। अभी आ गई कढ़ाई, इसको कढ़ाई को साफ करो, ये कढ़ाई साफ हो गई, इसमें घी डालो, इसमें आग जला लो ताकि गर्म हो जाए, आग जल गई, ये दूसरे काम तक ये गर्म हो जाएगा, और इसमें
अगली तरकीब आपको दिखाएंगे, देखते रहना और सुनते रहना, और जो मैं बता रहे हूँ वो ही करना। ये देखो, थोड़ा सा चूल्हा हल्का करना है कि नुकसान ना पहुंचे, सड़े नहीं, और मामूली आंच। अभी दूसरी कार्रवाई क्या करनी है, ये पालक है, इस पत्ते को काट लेना है, इसको भी काट लो। ये देखो दिल बन गया। पालक पकौड़ा तो क्या करना है, ये देखो घी हमारा गर्म हो गया है, घी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और घी जब तैयार हो जाए उसका क्या तरीका कार के कि यो घी बिलबिले छोड़ेगा, ये हूँ तैयार है, फुल बोलना बंद हो गया है। अब क्या करना है, इसको नज़दीक कर लो। ये देखो ये पतला हो गया था और इसको गहरा किया है। अभी इंशाल्लाह ताला ये पत्ता है, इसको ये हो गया चौड़ा। अभी तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि कैसे तैयार होता है। इसको इंगल के साथ नीचे दबा लेना है क्योंकि मसाला जो है इसके ऊपर आ जाए। ये देखो मसाला ऊपर आ गया है, इसको यहाँ से पकड़ना है। समझ आ रही है, ये इंशाल्लाह ताला खाओगे, चाचे को याद करोगे कि ऐसी आइटम कोई नहीं बनाएगा जैसे चाचा ही बनाएगा। मजेदार, ये देखो नाल नाल कितना खूबसूरत आ रहा है, इसकी खूबसूरती देखो। और दूसरी बात यह है
कि आप लोग पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खाते हैं, और ये आपको बाहर भी नहीं करेगा, हाजमा भी दुरुस्त। और ये है पालक पकौड़ा, कभी ना खाया होगा। आप इसको तैयार करेंगे आपको पता चल जाएगा, खाएंगे आपको पता चल जाएगा। तरीका का है इसका, ये तैयार हो गया, घी निचड़ गया है, घी आ गया। और ये दोबारा अभी इससे भी बड़ा बनाएंगे, जितना पत्ता होगा उतना ही पिकौड़ा बनेगा, जितना पत्ता होगा उतना ही पिकौड़ा तैयार होगा। अभी इसको निकालेंगे, देखो ये देखो, ये पत्ता आ गया। इसको उंगली के साथ नीचे करना है, नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, होने नजर आ जाएगा। ये देखो इसको ऐसे करना है, ये तैयार हो गया। और इसी मिसाले में, क्योंकि मुझे तो रोजा है, मैं आपको इसी मिसाले में जो मजेदार मिसाला बनाया है ये बच चुका है, और आपको आलू की चिप्स इसी मिसाले में तैयार करके दिखा रहे हो, क्योंकि रोजे से बाद मैं ये इस्तेमाल करूंगा। इसको क्या करना है, ये साफ हो गया, इसको पानी के साथ थोड़ा साफ कर लें। ये साफ हो गया जी, अब इसको क्या करना है, ये छुरी आ गई, इसको ये आ गई चिप्स। चूल्हा मैंने बुझा दिया था, अब चूल्हा जलाएंगे, घी गर्म हो जाएगा। ये देखो क्या कर रहे हूं, ये आलूओं की चिप्स तैयार कर रहे हूं अपने रोजे के लिए। आलूओं की चिप्स तैयार कर रहे हूं आपके रोजे के लिए और अपने रोजे के लिए। और इंशाल्लाह ताला अभी मेरा घी गर्म हो चुका है और ये डाल गया,
अभी घी हमारा गर्म हो चुका है और तेज आंच इसको जरा आहिस्ता करें। इतना बहुत है। और दूसरा ये आ गया और ये देखो ये चिप्स कैसे बनती है। ये देखो ये तैयार होना शुरू हो गई है, कलर इसका अच्छा आ रहा है। ये देखो ये पीस जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये तैयार हो गया। ये पीस तैयार हो चुका है और इसको इधर निकाल लो और दूसरे की इसको कल्टी करें। ये भी तैयार हो चुका है। इसका कलर देखो कैसा खूबसूरत है और जैसा खूबसूरत कलर है ऐसे खाने में भी खूबसूरत होएगा। ये भी तैयार हो चुका है। ये भी तैयार हो चुका है, ये भी तैयार हो चुका है। होटल का नहीं खाता हूँ, खुद बनाता हूँ रोजे के साथ और खुद रोजे के साथ बनाता हूँ और वो अपने हाथ की चीज़ खाता हूँ। आप भी बनाए, आपको सारा कुछ समझा दिया है, हमें दुआ दीजिए। आपका चाचा फौजी इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, गरीब को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।